हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए एक ही मिक्सचर से तीन तरह के डिजर्ट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। थोड़े से चेंज के साथ तीन फ्लेवर और अलग टेस्ट के डिजर्ट आप आसानी से कम टाइम में रेडी कर सकते हैं और अपने बिजी शेड्यूल में, घर की पार्टी में आप डिजर्ट की वेराइटी भी बढ़ा सकते हैं। तो बेस को लेकर कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं तीनों स्वीट्स एक ही वीडियो में बना रही हूँ। पहले स्वीट बेस रेडी करेंगे। एक ग्लास 400 ml दूध है, गैस पर उबलने के लिए रख देंगे इसे। तब तक हम 2 स्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं इसे, इसमें थोड़ा सा ठंडा दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे इसमें लम्स ना पड़े। अब कप में बचे दूध को पैन में डाल रही हूँ। टोटल हाफ लीटर दूध से मैं ये मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। इसमें 2 स्पून मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे जिससे कोई लम्स ना रहे इसमें। दो तीन मिनट तक दूध उबलने के बाद इसमें अब हम कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे जो हमने दूध में मिक्स किया था। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे कि ये लगे नहीं। अब इसमें हाफ स्पून के लगभग वनीला एसेंस ऐड करेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे इस स्टेज पर। देखिए इतना गाढ़ा रहेगा हमारा मिक्सचर। अब इसको हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। यहाँ मैं 1 स्पून शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से मीठा बढ़ा सकते हैं। मिक्सचर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इससे हम मार्केट से कस्टर्ड पाउडर लाए बिना ही उसी टेस्ट का घर में कस्टर्ड बनाएंगे। यहाँ बोल में पहले इस मिक्सचर को डालेंगे। आधा बोल ही डाला है मैंने। मैं यहाँ वनीला कस्टर्ड बना रही हूँ। हम लोगों ने पहले मिक्सचर बनाते समय भी वनीला एसेंस डाला है, लेकिन वनीला कस्टर्ड के लिए 2 ड्रॉप एसेंस, वनीला एसेंस फिर ऐड करेंगे। आप कस्टर्ड में अपने पसंद के फ्रूट ऐड कर सकते हैं, आम, केला। मैं यहाँ अनार, काला अंगूर और सेब ऐड कर रही हूँ। आपको जिस फ्लेवर का कस्टर्ड बनाना है आप यहाँ पर उस फ्लेवर का एसेंस ऐड कर लीजिएगा। अब इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें और ठंडा ही सर्व करें। अब हम लोग दूसरा डेजर्ट, बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी पुडिंग बनाएंगे। इसके लिए एक बोल में आधा बोल ये मिक्सचर डालेंगे पहले। अब इसमें 2 स्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे हम। देखिए ये मिक्सचर इतना थिक हो गया है। 2 पिंच के लगभग इलायची पाउडर ऐड करेंगे। 1 स्पून गड़ी का बुरादा, आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं इसे। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर में पुडिंग चाहिए तो 1 स्पून कोका पाउडर और थोड़े से क्रश किए हुए चॉकलेट मिक्स कर दें यहाँ पर। मैं यहाँ पर डिस्पोजल ग्लास ले रही हूँ। दोनों ग्लास में इस मिक्सचर को डाल दूंगी मैं। ऊपर से गार्निश के लिए गड़ी का बुरादा डाला मैंने। इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे हो गए हैं, पुडिंग हमारा रेडी है। आप चाहें तो सीजर से कट करके इस तरह से निकाल लें पुडिंग को। ऊपर से अनार, ड्राई फ्रूट्स या टूटी फ्रूटी किसी भी चीज़ से गार्निश करके इसे सर्व करें। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट और लाजवाब बना है, आप ज़रूर ट्राई करें इसे। बच्चों के मनपसंद आइसक्रीम बनाएंगे इस मिक्सचर से। यहाँ मैं 1 कप मिल्क मिक्सचर ले रही हूँ, ये मैं नाप के ले रही हूँ। इसे हम मिक्सी जार में डालेंगे। उसी कप से नाप कर 1/2 कप मैं क्रीम ले रही हूँ। ये घर की क्रीम है। यहाँ 1 स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ग्राइंड करेंगे इसे। ये इस तरह से इसका टेक्सचर रेडी हो जाएगा। ये देखिए आइसक्रीम के लिए एकदम परफेक्ट है। इसको 2 ग्लास में डाल रही हूँ मैं। 2 फ्लेवर का बनेगा ये आइसक्रीम।
यहाँ 2 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। दूसरे में कोका पाउडर डालूंगी, इसे अलग से 1 स्पून मिल्क में अच्छे से मिक्स करके तब डाल रही हूँ। ऊपर से चॉकलेट सिरप से इसे गार्निश करेंगे। अब एल्युमिनियम फॉइल से इसे कवर करके 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे आइसक्रीम जमने के लिए। 6 घंटे हो गए हैं, अब देखते हैं आइसक्रीम हमारा कैसा जमा है। देखिए ये एकदम परफेक्ट है। आइसक्रीम निकालने के लिए एक बोल में पानी लेकर 1-2 सेकंड के लिए उस ग्लास को मैंने पानी में रख दिया। और चॉकलेट आइसक्रीम के लिए छोटा डिस्पोजल ग्लास था तो सीजर से कट करके इसे मैं प्लेट में डाल रही हूँ। देखिए नॉर्मल स्पून से भी आइसक्रीम कितनी आसानी से निकल रहा। मिल्क मिक्सचर से आप अपने पसंद के किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम आसानी से रेडी कर सकते हैं। ब्लैक करेंट आइसक्रीम बनाने के लिए 1 कप काला अंगूर और 10-20 क्रिशमिश लेके आप मिक्सचर में इसको ग्राइंड कर लें। मिल्क मिक्सचर में ऐड करके 6-7 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख दें। मार्केट स्टाइल ब्लैक करेंट आइसक्रीम हमारी रेडी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।